चलो भाई व्यूअर्स, यहाँ पे जो है काफ़ी दिन हो गए कॉलोनी को चेक किए हुए, तो आज कॉलोनी को चेक करते हैं भाई कि जावा की कॉलोनी में जो बच्चे निकले हुए थे वो कहाँ पे हैं अभी। तो भाई व्यूअर्स आ गए हैं कॉलोनी में, तो आज कॉलोनी को चेक करते हैं भाई कि कॉलोनी में जो है जावा के बच्चे निकले हुए थे वो बच्चों की क्या पोजिशन है, कितने बड़े हो गए हैं, तो आज चेक करते हैं भाई इसको। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से हमारे जावा ने जो है बच्चे निकाल लिए हैं। देखो भाई जितने बच्चे थे इसमें से यहाँ से निकल गए हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो है बच्चे थे, और बच्चे तो यहाँ दिख नहीं रहे भाई, भाई यहाँ पे जो बच्चे थे वो तो मुझे दिख नहीं रहे, तो इसको उतार के देखते हैं भाई इसकी क्या। अंदर इसमें बच्चे हैं लेकिन बिल्कुल छुपे हुए हैं, वो देखें अभी मुझे इसमें एक बच्चा तो दिख रहा है भाई, और भाई ये देखें भाई एक ही बच्चा अब मुझे दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है बाकी बच्चे इसके अंदर नहीं हैं, इसका मतलब है कि या तो वो निकल चुके हैं इसमें से, क्योंकि बच्चा सिर्फ अभी इसमें एक ही दिख रहा है, एक और एक दो दो बच्चे भाई इसके अंदर हैं अभी, सही है दो बच्चे अब इसमें आ गए हैं मुझे दिख रहे हैं दो बच्चे। ये दो बच्चे हैं और बाकी इसके अंदर दो बच्चे शायद और थे या तीन बच्चे और थे वो नज़र नहीं आ रहे भाई। इसके अलावा यहाँ पे जो है देखते हैं भाई, यहाँ पे भी जो है कुछ नहीं, यहाँ पे देखते हैं ये देखें भाई यहाँ पे जो है इस वाले पेयर ने दोबारा से माशाल्लाह से अंडे दे दिए हैं, और पहली दफ़ा इसमें जिसने अंडे थे सारे वो निकाल कर ख़राब कर दिए थे। यहाँ पे इसमें चेक करते हैं भाई क्या मसला है इसका, इसमें भी जो है किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है, और यहाँ पे जो है अंडे आ चुके हैं भाई, और कितने तीन और दो पांच, पांच अंडे मुझे इसमें दिख रहे हैं अभी भाई। भाई विवर्स कॉलोनी में जो है यहाँ पे जो बच्चे थे ना पांच, उसमें से मेरे ख्याल से तीन बच्चे निकल गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, बिल्कुल ये देखें बिल्कुल मार्किंग वाले, ये काले काले बच्चे हैं, ये सामने देखें ब्लैक मार्किंग में, ये बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी इनके पर भी सही से पूरे नहीं आए और ये बाहर आ गए हैं। ये देखें छोटा बच्चा बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये बच्चा ये देखें ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बच्चा है, तो इसका मतलब है कि भाई बच्चे निकल आए माशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक। ये देखें ये छोटा बच्चा ये के ऊपर सही है, तो यहाँ पे बच्चे निकल आए माशाल्लाह माशाल्लाह सही है। इसके अलावा हमारे एक और पेयर ने भाई बच्चे अंडे दे दिए हैं, तो हमारे पुराने वाले पेयर ने जिसने सबसे पहले बच्चे दिए थे उसने दोबारा से जो है वो अंडे निकाल लिए हैं। तो भाई चलो अभी क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा वैसे ही चल रहा है, आपको पता है कि रमज़ान भी है, तो उसमें जो है थोड़ा सा केयर करने में थोड़ा सा मसला ज़रूर आ रहा है, क्योंकि टाइमिंग की काफ़ी जो है शॉर्टेज है। तो ये बच्चे हैं भाई देखें, ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं माशाल्लाह से जो है अब ये उड़ने लग गए हैं, ये नए नए बच्चे निकलते हैं तो इस तरीके से उड़ते हैं भाई, ये पर भी पूरे नहीं आते, ये रहे ये एक बच्चा ये रहा ये देखें ठीक है, बिल्कुल इसकी वाइट वाइट चोंचें होती हैं। तो तीन बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल आए भाई माशाल्लाह, और दो बच्चे अभी इसके अंदर ही हैं, तो चले अच्छी बात है बड़ी भाई, कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि रमज़ान है तो केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे भाई के दूसरे पेयर हमारे जो है वो कब अंडे देंगे, तीन पेयर तो हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गए हैं, वो जो है बाकायदा से जो है वो आ गए हैं ब्रीड के ऊपर, तो बाकी पेयर देखेंगे कि वो कब ब्रीड करेंगे यार। भाई व्यूअर्स यहाँ पे जो है बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो यार लगता है कि अब जो है इन बच्चों को यहाँ से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, क्योंकि मादी अंडों पे है तो अंडे चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अंडों से बच्चे बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले हैं। यहाँ पे अंदर देखते हैं कि माशाल्लाह भाई माशाल्लाह पांच अंडों पे बैठी हुई है मादी, ठीक है, और इसका ये तीसरा क्लच हो जाएगा, तो देखते हैं भाई कि अब ये
बल्कि चौथा क्लच हो जाएगा इसका, क्योंकि दो बच्चे तीन बच्चे चार बच्चे इधर निकले हुए हैं इसके। और यहाँ मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि यहाँ जो है बच्चों को मारा भी जा रहा है, तो यहाँ से भाई अब इनको जो है हटाना लाजमी है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। भाई कॉकटेल के अंडे भी देखते हैं, भाई बड़ा टाइम हो गया कॉकटेल के अंडे भी नहीं देखे, क्योंकि कॉकटेल जो है वो कभी अंडे छोड़ रहा है कभी पकड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसके अंडों का क्या सीन चल रहा है। देखते हैं भाई इसके कॉकटेल के जो अंडे हैं इस पोजिशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि अंडे दिए ही चले जा रहे हैं और अंडा हैक भी हैच नहीं हो रहा। आप ये देखें मजीद ताज़े जो है अंडे आ चुके हैं, पुराने अंडे भी हैं इसमें और जो नए अंडे हैं वो भी इसके अंदर आ गए हैं भाई बड़ी तादाद में। तो भाई यहाँ से जो है बच्चे यहाँ से हटा देते हैं यार, ये बच्चे जो है अब इनको तंग करेंगे। ये देखें भाई पांच अंडे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अभी तक हैच नहीं हुए, देखते हैं कि कब तक हैच होंगे। भाई इसको पकड़ लिया हमने, ठीक है इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे पहले हमने छोड़े हुए थे कुछ बच्चे, तो जाओ भाई यहाँ पे अंदर जाओ शाबाश। ये देखिए माशाल्लाह भाई इस मरतबा भी जो है मुझे इसमें तीन बच्चे नजर दिख रहे हैं, एक इस मरतबा जो है ब्लू आया है और इस मरतबा दो जो है वो येलो आए हैं। अंदर देखें कोई बच्चा है इसमें बिल्कुल, बल्कि ये तीन मेल था, ये मेल है और बच्चे सारे बाहर आ चुके हैं इसके, ठीक है। तो अनकरीब भाई इनके बच्चे को भी अब यहाँ से जो है अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हो गए हैं काफ़ी, तो यहाँ से इनको हटाना भाई लाजमी है। तो यहाँ जो रैम्बो की फीमेल थी ये सामने जो बैठी हुई है, इसने दोबारा से बच्चे अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह से, बच्चे तो इसने बड़े कर लिए हैं। यहाँ पे देखें भाई पांच अंडे जो है इसने दे दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो देखते हैं इस मरतबा जो है ये कितने बच्चे निकालेगी। पहले के वाले बच्चे जो हैं माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल बड़े हो गए हैं, फिट फाट ज़बरदस्त, ठीक है।